गया, बेहोश हो गया ऐसे करके कहा, तो मैं बिल्कुल डर गया यार, क्या हो गया अचानक, कैसा क्या हो गया। तो माइंड पे अजीब तरह के बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं इस तरह से अचानक। और फाइनली गाइस नुवेन जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में आप सभी का ढेर सारा प्यार था, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आज है हमारा 9 सितंबर और आज हमारा अभी मैं सुबह 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 के 6 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी चेहरा से अभी नहीं धोआ हूँ। अभी जस्ट नुगेन यहाँ से शिफ्ट हो रहा था गेजिंग और थोड़ा बहुत उनके सामान थे। आपको पता होगा कि प्रीवियस के बहुत सारे ब्लॉग्स में और हमारा चैलेंज गुरु सोला में नुगेन लिंबू बॉय, उनका भी चैनल डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उन्हें भी ढेर सारा प्यारा सपोर्ट करिए। और वेदर तो क्या बता दो ना, कल शाम से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। फिलहाल मैं हूँ डारा गाँव पे, जहाँ से हर जगह की गाड़ी मिलती है, आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। और आज हमारा नुगेन लिंबू बॉय यहाँ गैंगटोक से गेजिंग शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उनका गेजिंग कॉलेज है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम नुगेन लिंबू बॉय को हमारा सिक्किम और वाईटी फैमिली में देखने को मिल रहा होगा। और कैसा लग रहा है आप आफ्टर लॉन्ग टाइम? सबसे पहले तो सभी लोगों नमस्ते इनसे बारो। क्या कैसे हो, कैसे लग रहा बोले तो? मुझे तो कल से भागने मन होता है यहाँ से। क्यों क्यों रूम पहुँचे किसी? वो तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने इसको खाने ही नहीं दिया रूम पे, बैठा के इसको भगा रहा था जैसे। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। इसका बहुत अच्छा से क्या कहते हैं, वो जैसे मेहमान को ट्रीट करते ना वैसे ट्रीट किया, क्योंकि वो 2 दिन का मेहमान था। लेकिन एक छोटा सा चीज़ आपके साथ लास्ट में शेयर करने वाला हूँ। कल बहुत खतरनाक घटना घटा था इनके साथ और देख सकते हैं कुछ इस तरह का सीन है अभी। और ऑलमोस्ट यहाँ पैक हो चुका है और बारिश तो ना बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। गाइस फोन आया था क्या? नहीं मत यता यता निक्लो न, उयो 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 सजिलो हुन्छ ल। यता 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 दिस साइड यता भित्र हो, यो अलिक सुक्का छ। और फाइनली गाइस नुगेन को अलविदा कहते हुए आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वो गैंगटोक आया था क्योंकि उनका गेजिंग कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और अभी फिर वापस आ रहे हो क्योंकि कंटिन्यूस अभी कॉलेज की क्लासेस चल रहे हैं। साधन से अरे तो ल बाय बाय, सेफ जर्नी ल। ओके सेफ जर्नी। और फाइनली गाइस नुगेन जा रहे हैं। और फाइनली गाइस अभी फिलहाल के आपको टाइम बता दो, अभी शाम की बज रहे 3 और फिलहाल मैं कॉलेज के कैंपस पे आ चुका हूँ। कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से, चेक करिए गाइस। इससे पहले कॉलेज की व्यू इतना सुंदर कभी नहीं देखे दिया था। ये हमारा HN ब्लॉग है और यहाँ से ओवरऑल वेदर चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा हो चुका है। और फिलहाल की आपको अपडेट बता दूँ, फिलहाल मैं जा रहा हूँ अनुमोल के रूम और आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था लेकिन शाम को चलकर बहुत क्लियर मौसम हो चुका है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत चलते हैं, आज छुट्टी भी है और कल संडे भी है, तो थोड़ा बहुत जाकर थोड़ा बहुत गिटार सीधा बजा के गाना गाते, वेदर का वही डिमांड है। और ये चेक कर सकते हैं वेदर का, हम लोग अभी फ़िलहाल है ऑडिटोरियम पर, शायद यहाँ कोई प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। और ये व्यू चेक करिएगा गाइस, इतना प्यारा लग रहा है। और ये पीछे कॉलेज की व्यू है। और पिछले वाले ब्लॉग में आप सभी लोग इतना ज़्यादा प्यारा सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। और हम लोगों का रेगुलर ब्लॉग्स और डेली ब्लॉग चैलेंज भी कंटिन्यूस चल रहा है और जितना सोचे थे उससे काफ़ी खतरनाक हो रहा है। और आज कल की आपको एक इवेंट बता दूँ, कल की एक घटना बता दूँ, इंसिडेंट। मैं कॉलेज पर था, कल भी बारिश हो रहा था और उस समय नुगेन लिंबू भाई जानते होंगे, वो रूम पे था, किसी काम ऑफिशियल काम से आया हुआ था गैंगटोक और रूम पे था। तो सुबह मैं जल्दी निकल गया, 9 बजे क्लासेस हो जाते, तो वो फ्रेश हो रहा था। उसके बाद शायद मुझे लगता है 1 या 2 बजा होगा, तो रूम पे और एक भैया रहते तो उनका कॉल आया मुझे, बारिश हो रहा था, छाता भी नहीं था पास में मेरा। और कॉल आने के बाद कहा कि जो लिंबू बॉय नुगेन है वो बहुत सीरियस हो गया, बेहोश हो गया ऐसे करके कहा। तो मैं बिल्कुल डर गया यार, क्या हो गया अचानक, कैसा क्या हो गया। तो माइंड पे अजीब तरह के बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं इस तरह से अचानक, आपके जो बहुत अच्छे दोस्त हो कुछ उनको इस तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं।
तो मैं कुछ नहीं सोचा, बारिश हो रहा था, बस उठाया कॉपी, बस डोर पड़ा, जाके देखा तो जाके पता चला ना असली में बेहोश हुआ था, वीकनेस के कारण वो गिर गया था। लेकिन बिहाइंड द रीज़न क्या पता चला ना, उसको सुन के आप भी थोड़ा सा हंसेंगे। जो सिक्किम पे एक मिर्चा पाया जाता है गोला करके, जिसको डल्ले खर्सानी कहते हैं नेपाली में, बहुत तीखा होता है। उस हम लोग उसको क्या करते हैं ना सिक्किम एरिया पे, उसको कलेक्ट करके बोइम पे नमक के पानी में उसको कलेक्ट करके रखते, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो चल सके, ऑफ सीजन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे घर रूम पे भी रखा हुआ था, तो उन्होंने दो या एक आधा खाया होगा, तो उसके कारण मेन रीज़न वही बता रहा था। तो मैं इतना हंसा ना, मुझे लगा ना किसी और रीज़न के कारण वो बेहोश हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक है। और इस ब्लॉग का स्टार्टिंग भी उन्हीं के साथ हुआ था, और वो गेजिंग जा चुका है, तो आने वाले समय में हम गेजिंग का भी एक्सप्लोरिंग करने वाले हैं। और वो अभी गेजिंग कॉलेज में फ़िलहाल, तो अभी ठीक है। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से फ़िलहाल को आपको जगह बता दूँ, जस्ट कॉलेज के यहाँ आगे वाले गेट से उस पार जा रहा हूँ। और अभी अनुमोल और उनके भाई वेट कर रहे हैं और चलते हैं, और हमारा संचित अदंग विकास स्पेशल गिटार ले लिया हम लोग, छोटा सा प्यारा सा, और चलते हैं, मिलते हैं आप सबसे सीधा स्पेशल सॉन्ग और स्पेशल प्लेस के साथ। लेट्स गो गाइस। और फाइनली गाइस, आज हमारा छुट्टी था, इसीलिए अनुमोल हम लोगों ने सडन प्लान बनाया, क्योंकि सुबह का आपको अपडेट बता दो ना, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था गैंगटॉक पे, इसीलिए कहीं नहीं जा पाए, रूम पे ही थे। उसके बाद आफ्टर 12 थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ था, उसके बाद 1 बजे के बाद इतना प्यारा मौसम हुआ ना, फिर हम लोगों ने सडन प्लान बनाकर अभी फिलहाल हम लोग है रानी पुल आदमपुल के जस्ट बगल, रेख खोला के बगल पे, तो इतना प्यारा गांव है ना, और जस्ट नदी के साइड पे बसा हुआ है। और अभी रेनी सीजन है, इसीलिए थोड़ा सा पानी का कलर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ऊपर से इतना प्यारा व्यू हो चुका है। ये हमारा प्यारा सा ब्रिज है, और यहाँ देख सकते कुछ इस तरह से जंगल ही जंगल, एकदम बहुत प्यारा व्यू है, एकदम मस्त है। तो आप सभी को भी जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि यार छुट्टी के टाइम में इस तरह से नेचर में एक्सप्लोर करना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और प्लीज़ एंट्री करते हैं इस छोटे से ब्रिज और प्यारे से ब्रिज में। यहाँ से हमारा मेन एंट्री होता है, कुछ इस तरह का है हमारा मेन एंट्री, और ये देख सकते हैं इस तरह से रस्सी की हेल्प से बनाया गया है, और बिल्कुल अपने गांव की याद आ रहा है यार। और अनमोल तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं आगे, और आज अनमोल की ओर से गिटार भी साथ में लेके आए, तो अच्छे अच्छे आपको सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे इस नेचर के व्यू बीच में, थोड़ा से और कम जहाँ पे साउंड होगा नदी के, थोड़ा कम साउंड में अच्छा आएगा ना साउंड, तो नदी के थोड़ा कम साउंड में वहाँ से आपको सुनाने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ से देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है। और फाइनली गाइस, वेलकम टू रेखोला कहना चाहूँगा, और इतना प्यारा व्यू है देख सकते हैं गाइस। और आपको गैंगटॉक की यहाँ से व्यू दिखा दो, गैंगटॉक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये जितने आपके ऊपर एरिया है सब गैंगटॉक की एरिया है। और यहाँ से नीचे नदी है देख सकते, एक नदी है यहीं से पार होके इस तरफ से, लेकिन अभी कलर देख सकते थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा गंदा है। और इस तरफ एक छोटा सा गांव भी बसा हुआ है, और हम लोग जस्ट आए पीछे वाले रास्ते से। और अनमोल बहुत आज खुश है पता नहीं किस लिए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है, थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड करते, क्योंकि ना शहर पे रहते 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 अजीब से होने लगते हैं, तो कभी कभी इस तरह से अनप्लान जगह पर ना सरप्राइज जगह पर निकल जाने पर काफ़ी अच्छा लगता है। और आप सभी लोगों को हमने वादा किया कि डेली ब्लॉगिंग देना है, तो कहीं ना कहीं से आपको एक्सप्लोरिंग कराते रहने, और कॉलेज लगते हैं तो आपको कॉलेज के रेगुलर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट हम लोगों का फर्स्ट सेशनल 5th सेमेस्टर का भी स्टार्ट होने वाला है, तो कैसा क्या करके भी आपके लिए डेली ब्लॉग्स तो लाऊँगा। और आप सब बस इसी तरह ढेर सारा सपोर्ट करते रहना, और आपको ये पीछे की व्यू और यहाँ की व्यू कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। और आने वाले समय में और अच्छे अच्छे और खतरनाक ब्लॉग्स आने वाले, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट करते रहना, थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। और फाइनली गाइस, इतने खूबसूरत और इतना नेचुरल जगह पे आने पर अनमोल की ओर से खूबसूरत सॉन्ग तो प्लीज़ बनता है। और आपको पता हो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब फेयरवेल दिया था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लोगों को, तो उस समय हम लोगों ने एक तारा करके ग्रुप सॉन्ग गाया था, आज उसी ग्रुप सॉन्ग को इस नेचर, इस वेदर, इस सनसेट के साथ भी मैच होने वाला है ऐसा लगता है मुझे, इसीलिए स्पेशल आपके लिए एक तारा सॉन्ग होने वाला है अनमोल की ओर से। ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है क्योंकि अभी बारिश भी आने वाला है, तो जल्दी हमें जाना है वापस रूम भी, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट जाते हुए आधा घंटा समथिंग तो लग ही जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी एक तारा होता है अनमोल के लिए। और एक गाना बिल्कुल एंड तक जरूर सुनिएगा, जो कि आपको दिल को टच करेगा मुझे ऐसा लगता है। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे,
दिखाए सपने तो सोते जागते झूमर से सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद झूमर से सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अंजारी रास्ते गूंज सा है कोई एक तारा एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा। और फाइनली गाइस अनमोल की छोटी सी एक तारा सॉन्ग आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और कैसी लगी अनमोल के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना ताकि उन्हें भी ढेर सारा मोटिवेशन मिले। और उनका पैशन है गाना गाना, तो कभी कभी थोड़ा आपको ब्लॉक में सुना देता हूँ। और आपको वॉइस क्वालिटी में थोड़ा कमी नज़र आए होंगे क्योंकि नीचे नदी है, और ऑलमोस्ट अभी अनमोल भी पैक कर रहा है अपना गिटार, और यहाँ से अभी हम वो निकालने वाला है क्योंकि सनसेट भी हो चुका है। और सिक्किम का वेदर का तो आपको अपडेट पता ही होगा कि कभी फिक्स नहीं रहता है, कभी सुबह इतना 12 बजे तक बारिश हो रहा था, अभी जाकर वेदर क्लियर हुआ है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग बाहर निकाले रूम से, उसके बाद इस जगह को भी बाय बाय कहने का समय आ गया है। काफ़ी अच्छा लगा था, फर्स्ट टाइम था रे खोला पे। आने वाले समय में और अच्छे अच्छे एक्सप्लोरिंग होने वाले हैं। छुट्टी नहीं मिल पाता यार, कॉलेज का ऐसे ही लाइफ होता है। और जल्दी जल्दी कॉलेज खत्म होने के बाद भी हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होने वाला है, तो उसके लिए भी दिल थाम कर बैठिएगा। बस आप लोग ना यार डेली ब्लॉग में दिल से सपोर्ट और ढेर सारा प्यार कर दीजिएगा, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और अनमोल सबको कह दो बाय बाय। बाय बाय। ये जगह कैसा लगा आज आपको? ये बहुत ही अच्छा लगा, बढ़िया प्लेसेस है, एकदम पीस प्लेस है ना, एकदम एकदम पीस है, नेचुरल प्लेस है। हमारा ऑडियंस को कुछ रिकमेंड करना चाहोगे इस प्लेस के बारे में? ये यहाँ पर इस जगह को रे खुला कहते हैं, और ये रानीपुर से 15 मिनट समय लगता है, और यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही पीस इन्वायरमेंट, सभी को यहाँ पर फ्री टाइम में आने के लिए रिकमेंड कर सकते। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग निकाल चुके यहाँ से, तो मिलते हैं आप सबसे सीधा गैंगटॉक पे, तो लेट्स गो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लॉकडाउन ने दिया दम घर मेरा, मांग सब हम टाउन मेरा यक सम, थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब में